हेलो फ्रेंड, नमस्कार और आदाब दोस्तों। हमारे हिस्ट्री न्यूज़ चैनल पर सभी पल्स पीड़ित साथियों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के लिए हम आपको एक खास वीडियो बनाने जा रहे हैं दोस्तों, क्योंकि 1 साल 6 महीने से हम लोगों की यही कोशिश चल रही थी कि पहले भुगतान फिर मतदान। तो दोस्तों, उसी स्लोगन का आज वक्त आ चुका है मेरे दोस्तों। तो हमारे पास एक बड़ी खबर आई है, और वो क्या है दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि श्री त्रिपाठी जी, विकास त्रिपाठी जी अकबरपुर से प्रत्याशी के रूप में खड़े हुए हैं, जिनका निशान है हेडफोन, और 29 तारीख में संसद पहुंचने की उनकी तैयारी रहेगी। यानी कि दोस्तों, उनकी वोटिंग चलेगी। तो अकबरपुर से इनको टिकट मिला है, जिसका निशान हेडफोन है मेरे दोस्तों। और सबसे बड़ी तैयारी दोस्तों, हम लोगों ने भी आप लोगों को करा रखी थी, कि इंकलाब जिंदाबाद, पहले भुगतान फिर मतदान, ये सारे नारे हम लोगों के हैं और अपने हैं। आज उस वो वक्त आ चुका है जो इस नारे को कसौटी पर उतारना है मेरे दोस्त। आज संसद में अपने विकास त्रिपाठी जी को पहुंचाना है, 29 तारीख को इनके हेडफोन पर निशान लगाना है। जितने भी अकबरपुर के वासी हैं, या जो आउट अकबरपुर से बाहर के दूसरे शहरों के या दूसरे गांव के रहने वाले हैं, तो वहां पर इनका ये हेडफोन निशान नहीं है, तो वो वहाँ पर, अगर उनका कोई कैंडिडेट PSL का वहाँ पर नहीं खड़ा, तो वो उस शहर के अपने रिश्तेदारों को, अपने मिलने जुलने वालों को सपोर्ट कर सकते हैं। जो पल्स निवेशक, जो पीड़ित निवेशक, जैसे अमित गर्ग जी और हमारे श्री दामगढ़ जी, महेंद्र पाल दामगढ़ जी, जिस जिस क्षेत्र से लड़ रहे हैं, उन क्षेत्रों के अपने सभी रिश्तेदार गण, पहचान गण, जितने भी आपके साथी हैं, उन सबको अपनी परेशानियों को बताएं कि हम इस वक्त किस दौर से गुजर रहे हैं। और हम 4 साल से लगातार तैयारी कर रहे थे कि हमें इंसाफ मिल सके, लेकिन इंसाफ नहीं मिला। लेकिन उसके साथ साथ हमारी जो तैयारी थी, अपनी सरकार बनाने की थी, अपने एक दो सांसद को बनाना था, ताकि वे हमारे पल्स मुद्दे को अपना मुद्दा समझकर सही मार्ग दिशा पर ला सके। तो दोस्तों, उसकी तैयारी में श्री त्रिपाठी जी ने अपना निशान हमें बताया है, कि मेरा निशान हेडफोन है और मैं अकबरपुर की सीट से लड़ रहा हूँ। तो दोस्तों, आपसे हमारा अनुरोध है कि विकास त्रिपाठी जी को सफल बनाना है, और सफल बनाकर इनको संसद में पहुंचाना है मेरे दोस्त। संसद में ये जब पहुंचेंगे, तो इनका कहना है कि सबसे पहले 3 महीने के अंदर अंदर मैं पल्स निवेशकों का पूरा पैसा ब्याज सहित दिलाऊंगा, और कोई पगार अगर मुझे वहाँ से मिलेगी, तो उस पगार को भी मैं अपने गरीब निवेशक भाई पर ही लगा दूंगा। तो दोस्तों, इनके ऐसे बयान और इनका दोस्तों कितना बड़ा बलिदान है, आपको अगर मैं बता दूं, थोड़ा सा इनके बैकग्राउंड में आपको बता दूं कि आज से 1 साल 2 महीने पहले, जनवरी के महीने में, ये जंतर मंतर पर धरने पर बैठे थे दोस्तों। उस वक्त कोई जनसैलाब इनके साथ नहीं था, ये 200 400 150 लोगों के साथ, कभी कभी तो अकेले भी बैठे रहते थे, एक दो साथियों को लेकर। तो दोस्तों, धूप में, गर्मी में, बरसात में, इस बंदे ने इतनी मुसीबत झेली है, इतनी मुसीबत झेली है, जिसको हमने अपनी वीडियो के माध्यम से भी आप लोगों को दिखाया है कि इस बंदे ने कितनी मुसीबत अपने ऊपर ली। क्योंकि दोस्त, ये भी लोगों का लाखों रुपया पल्स इंडिया लिमिटेड कंपनी में लगवाया था इन्होंने, लेकिन इन्हें ये नहीं पता था
इनके सामने ऐसा भी दिन आएगा। मेरे दोस्त, इनकी जगह अगर कोई और होता तो वो आत्महत्या कर लेता, लेकिन दोस्त ये इतने ठोस मनुष्य है, यानी कि मानुष है, कि इन्होंने आखिरी दम तक लड़ने की कोशिश लगा रखी है। और इस कोशिश में हम लोगों का भी फर्ज बनता है कि हम विकास त्रिपाठी जी को वोट दें, सपोर्ट दें। तो दोस्त, हमारे क्षेत्र से तो कोई PSL का कैंडिडेट नहीं खड़ा, इसलिए दोस्त हम तो नोटा पर ही बटन दबाएंगे, आज साफ सी बात बता दें। लेकिन जो अकबरपुर के वासी हैं, अगर उन तक मेरी वीडियो पहुंच रही है, पल्स निवेशक पीड़ित तक, तो वो इस वीडियो को हर एक उस निवेशक तक पहुंचा दे जो इस कंपनी से पीड़ित है, ताकि हम लोगों का ये कैंडिडेट संसद तक पहुंच जाए। तो दोस्त, हमारी आपसे यही रिक्वेस्ट है, और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम लेता हूँ। तो दोस्त, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।